आई एम फ्रॉम एमके और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट बॉडी प्लान यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जिनकी बॉडी में थ्री लेयर्स हैं एक्टोडर्म मिजोडाम और एंडोडाम और उनकी बॉडी में कोई सिलोम एग्जिस्ट नहीं करती ठीक है और इसमें जो हम फाइलम स्टडी करेंगे जो ए सिलोमेट्स हैं इट इंक्लूड्स द फ़ाइलम प्लेटीस फाइलम निमर्शिया एंड फ़ाइलम गैस्ट्रोट्रिका सो so, ये तीन फ़ाइलम्स हैं जो आज हम इसके अंदर स्टडी करेंगे ठीक है इस टॉपिक में और जो चीजें हम स्टडी करने जा रहे हैं जो पॉइंट्स हम स्टडी करने जा रहे हैं फाइलम्स के इट इंक्लूड्स द जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है आप इसको तैयार कर सकते हैं फॉर द्रपरेशन ऑफ डिफरेंट कम्पटिटिव एग्जाम्स जैसे कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है पी पी एस सी सेंथ पब्लिक सर्विस कमीशन एस पी एस सी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफ पी एस सी खैबर पखतूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के पी पी एस सी ठीक है और इन इसमें जो मटेरियल uh, ऐड किया गया है इन स्लाइड्स में इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स बुक्स व्हिच इंक्लूड्स दी एफएससी बायोलॉजी फेडरल बायोलॉजी जोलॉजी मिलर एंड हार्ले फिफ्थ एंड टेंथ एडिशन हिकवेन जोलॉजी कैम बायोलॉजी एंड रावन बायोलॉजी ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको कम्पेटिटिव एग्जाम्स पीपीएससी के जो एग्जाम्स हैं एसपीएससी के पीपीएससी एफपीएससी इन सब की तैयारी के लिए भी जोलॉजी और बायोलॉजी के लिए इस uh, जो है वो टॉपिक को तैयार कर सकते हैं फ्रॉम दिस वीडियो एज वेल एज आप डिफरेंट uh, जो है वो जोलॉजी से रिलेटेड जो फील्ड हैं फिशरीज है एक्वाकल्चर है, है और हॉर्टिकल्चर है एग्रीकल्चर है डिफरेंट फील्ड में एडमिशन के लिए या आप एम में एडमिशन के लिए की किसी भी ब्रांच में आप किसी भी फर्दर डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं जोलॉजी के तो उन सबके टेस्ट की प्रेपरेशन के लिए आप इन इनवर्टिट की जो भी वीडियोज शेयर की गई हैं उन सबसे मटेरियल जो है वो यूज कर सकते हैं ठीक है दिज आर वेरी बेनीफिशियल फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर ऑल ऑफ द कैंडिडेट दैट आर गोइंग टू टेक

इन सब क्लासेस की जो है वो फर्दर हम सब क्लासेस स्टडी करेंगे प्लस इंपॉर्टेंट ट्रीमाटो पैरासाइट ऑफ द ह्यूम दे और इसके भी कुछ आ, सब क्लासेस है और इम्पोर्टेंट जो है वो सिस्टोट पैरासाइट्स हैं ह्यूम्स के तो इन सबको हम स्टडी करेंगे देन है आर सेकेंड फायलम दैट इज फायलम नर लास्ट uh, फायलम गैस्ट्रोट्रिका उसके बाद जो है वो एंड पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एड किए गए हैं फॉर द एक्सपेक्टेड एग्जाम्स कमिंग एग्जाम्स और पीपीएससी की जोलॉजी के जो पास्ट पेपर्स हैं फ्रॉम 2001 थाउजेंड वन टू टू जो लास्ट पेपर हमारा हुआ है जोलॉजी का तो इन सब से जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं फाइलम गैस्ट्रोटिका से तो वो सब क्वेश्चन इसमें एडअप कर दिए गए हैं ठीक है थीके? तो ये सब कॉन्टेंट्स इसमें स्टडी किए जाएंगे और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इनमें स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन आज तक तो पूछे गए हैं वो लार्वास के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं लाइफ साइकिल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं स्पीशीज की नंबर ऑफ स्पीशीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कुछ इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको इन सब क्लासेस और इन सब फाइलम्स के जनरल करेक्टरिस्टिक्स पे और फर्दर इनके नंबर ऑफ स्पीशीज पे एज वेल एज जो है वो इनकी इम्पोर्टेंट पैरासाइड जो है वो ह्यूम के उन सब के करेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करना होगा यह बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एसोमेट फाइलम का कुछ जनरल सा इंट्रोडक्शन है हमारे पास इट इंक्लूड्स द्री फायलम द फर्स्ट वन इज द फायलम प्लेटिथ सेकेंड वन इज द फायलम निमशिया एंड द थर्ड वन इज द फायलम गैस्ट्रोट्रिका ओके तो वन बाय वन हम इन सब फाइलम्स की डिटेल्स को देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी अबाउट द्लेटी हेलमेंथिस फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस की जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास uh, इनका जो इनको जनरली कहा जाता है दीज आर फ्लैटवर्म्स ठीक है मेराइन फ्रेश वाटर और मॉइस्ट टेडिस्टल हैबिटेट्स में रहते हैं ये और टर्बिलेरियंस uh, टर्बिलेरियन uh, एक हमारे पास क्लास है प्लेटवर्म्स की और प्लेटील की ये फ्री लिविंग है बाकी जो क्लासेस हैं मोनोजीनिया ट्रीमाटोडा और सीस्टोर्स ये सब पैरासिटिक हैं देन इनमें बायोलेट्रल सिमिट्री होती है ठीक है बॉडी को जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है एज वेल एज इनमें एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड है बॉडी के और बॉडी जो है वो डोरसो वेंट्रली फ्लैटेंड है इसलिए इनको फ्लैट वार्म कहा जाता है देन uh, है जी एडल्ट बॉडीज थ्री लेयर्ड यानी ये ट्रिप्लो ब्लास्टिक है एक्ट्रोडम मीजोडम और एंडोडर्म इनमें प्रेजेंट होती है एंड इन सब टर्म्स के बारे में हम डिटेल में जो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन था जनरल इंट्रोडक्शन इन इनवर्टिट को स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो थी और उसके अंदर हम इन सब टर्म्स को डिटेल के साथ स्टडी कर चुके हैं बायोलेट्रल सीमेट्री क्या होती है रेडियल सीमेट्री क्या है डिप्लो और ट्रिप्लो ऑर्गेनाइजेशन क्या है सिलोमेट्स ए सिलोमेट्स सूडोसिलोमेट्स में क्या डिफरेंस है ठीक है तो इन सबकी डिटेल्स के लिए आप उन वीडियोज को अगेन देख सकते हैं ठीक है देन है जी ये ए सिलोम है इनमें जो है वो कोई बॉडी कैविटी या सिलोम प्रेजेंट नहीं होती अनसेगमेंटेड वार्म हैं ठीक है फ्लैट वॉर्म्स हैं इनकी बॉडी में किसी किस्म के कोई सेगमेंट्स नहीं होते एक्सेप्ट वन क्लास ठीक है uh, वो क्लास है क्लास सिस्टोइडी इसमें ये स्ट्रॉप भी लेती थी यानी इनमें कुछ प्रोग्लोटिड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं सिस्टोट्स so, को ट्रू टेप फॉर्म्स कहा जाता है और इनकी बॉडी में जो है वो प्रोग्लोटिड्स यानी सेगमेंट्स जो है वो उसमें डिवाइड हुई है इनकी बॉडी देन है जी इनकम्प्लीट गट में प्रेजेंट है और गट कम्प्लीटली एबसेंट होती है में. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई थिंक पास्ट पेपर में क्वेश्चन है उसमें जो है ना एक पास्ट पेपर में आया भी हुआ क्वेश्चन uh, वो सिफलाइज है यानी इनमें एंटीरियर पोस्टीरियर एंडस हैं हेड है और एंटीरियर सेल गियॉन है जो कि इनके नर्वस सिस्टम के तौर पर वर्क कर रहा है और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स भी लेंथवाइज बॉडी में रन करती हैं इनके एफीडिया स्ट्रक्चर हैं ठीक है और ये हरमा प्रेजेंट होते हैं कुछ में जो है वो कुछ इनकी क्लासेस जो या कुछ फाइलम आ, कुछ क्लासेस जो हैं उनमें सेक्सेस सेपरेट भी होते हैं सो नेक्स्ट इज देआर एपिडमिस एपिडामिस जो है वो सेलुलर या सेंश भी हो सकती है यानी सिलियेटेड

मोनोजीनिया ट्रीमाटोडा सिस्टोडा और ट्रबेरिया में जो एपिटेमिस है वो टेग्यूमेंट है ठीक है ब्रांच बी हो सकती है और सिस्टोर्ड में एबसेंट है मस्कुलर सिस्टम जो है मस्कुलर सिस्टम इज ऑफ मीजोडर्मल ओरिजन मस्कुलर सिस्टम इनमें एक्सिस्ट करता है सर्कुलर लॉन्गिट्यूडल मसल और मीजोडर्मल ओरिजन है उनका ठीक है और उसके बाद है जी हमारे पास नर्व सिस्टम नौवर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ अ पेयर ऑफ एंटीरियर गैंग्लिया ओके गैंग्लिया कहते हैं क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स को विद द द लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स ओके तो बॉडी के एंटीरियर साइड पे जो है वो गैंग्लिया प्रेजेंट है और गैंग्लिया से नर्व कॉर्ड्स अराइज हो रही है जो पूरी बॉडी में फैली होती है सेंस ऑर्गन्स हैं इनमें और सेंस ऑर्गन्स लाइक द स्टेटोसिस्ट ठीक है ये ऑर्गन्स ऑफ बैलेंस हैं

और कुछ में कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल्स भी हैं जिनमें के सेवरल होस्ट जो हैं वो इंटरनल पैरासाइट्स ऑक्यूपाई करते हैं देन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है प्रोटोनफ्रीडिया की फॉर्म में है और रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी स्केलेटल सिस्टम इनमें एबसेंट है ठीक है Now we are having the classification of the platyhelminthes तो so, पहले अभी हमने general characteristics पढ़ी हैं, ये सब भी बहुत important हैं और इन सब में से mostly MCQs यूज़ पूछे जा चुके हैं आपके previous papers के अंदर। तो classification of platyhelminthes में हमारे पास तो है वो देरा twenty thousand species of the flat worms mentioned in Miller and Harley fifth edition और 34,000 four thousand species तो हैं वो Miller and Harley के updated version यानी tenth edition में mention की गई हैं। और हमारे पास फोर क्लासेस हैं की क्लास टर्बुलरिया मोनोजीनिया ट्रिमाटोडा एंड सिस्टोडा वन बाय वन हम इन क्लासेस की डिटेल्स को स्टडी करेंगे तो सबसे पहले है जी हमारे पास क्लास टर्बुलरिया क्लास टर्बुलरिया को फ्री लिविंग फ्लैट वर्म्स कहा जाता है ठीक है और इनका जो नाम है उनमें इनमें क्योंकि उन सीलिया प्रेजेंट होते हैं और सीलिया की जब बीटिंग होती है तो उससे पानी के अंदर एक एक टर्बुलेंस क्रिएट होती है इसकी वजह से इनको टर्बिलेरिया का नाम दिया गया है देन इनकी जो है वो क्लास टर्बिलेरिया की हमारे पास थ्री थाउजेंड स्पीशीज हैं जैसे हमने ओवरऑल देखा कि फ्लैटफॉर्म्स में ट्वेंटी थाउजेंड है या थर्टी फोर थाउजेंड है अकॉर्डिंग टू टेंथ एडिशन और यहाँ पे हमारे पास ओवर थ्री थाउजेंड स्पीशीज जो है वो क्लास टर्बिलेरिया की है टर्बिलेरियंस जो है ये प्रीडेटर्स हैं और स्केवेंजर्स हैं अब हम वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं इनके फीचर्स को तो पहला हमारे पास जो तो फीचर है वो है इनकी बॉडी वॉल क्लास एरिया की बॉडी वॉल ओके तो ये इसकी एक डायग्रामेटिक व्यू है इनमें जो है वो एपिडर्मल सेल्स कुछ एपिडर्मल सेल्स जो है वो सिलिएटेड हैं और इनमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं एपिडर्मल सेल्स जो है वो कुछ सिलिएटेड हैं और इनमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट हैं ओके जैसे आपको सीलिया नजर आ रहे हैं ये एपिडर्मल सेल्स का क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया हुआ है तो ये सिलिएटेड है Okay, so, सेपरेट करती है ठीक है देन इनमें क्या होता है आउटर सर्कुलर मसल एंड इनर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडल मसल तो आउटर लेयर है सर्कुलर मसल्स की एपिडर्मिस में और इनर लेयर है हमारे पास इनमें इम सेल्स है? so, हैं जो के लॉन्गिडनल मसल्स और गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान लोकेटेड है एंड देन इनर मोस्ट टिश्यू ले इनमें गैस्ट्रोडर्मिस है बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर जो है वो गैस्ट्रोडर्मिस है

और प्रीडेशन से छुटकारा हासिल करने के लिए जो है ना वो अगर ये कामयाब हो जाए तो उस मकसद के लिए इनमें रेबडाइट्स प्रेजेंट हैं ठीक है यानी ये वो सेल्स हैं जो कि म्यूकस शीत सिक्रिएट करते हैं इस बॉडी के अराउंड इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम देन कुछ एडहेसिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं इनके एपिथेलियल सरफेस पे ताकि वो एडहेसिव ग्लैंड्स कुछ सिक्रीशंस रिलीज करें ताकि इनकी बॉडी किसी भी सबस्ट्रेट से इजीली अटैच हो सके देन है रिलीजर ग्लैंडर ग्लैंड होते हैं और ये रिलीजर ग्लैंड क्या करते हैं कि जब भी जरूरत हो कि ये सब से अपने आप को डीटैच करें और दोबारा फ्री लिविंग हो जाए तो रिलीजर ग्लैंड कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे जो कि एडेसिव ग्लैंड की सिक्रीशन्स को जो है ना वो ब्लॉक कर देंगे और कनेक्शन को ब्रेक करेंगे और फिर बॉडी जो है वो फ्री हो जाएगी फॉर मूविंग देन लोको तो लोकोमोशन के लिए जो है ये बॉटम ड्वेलर्स हैं, ये सबस्ट्रेट पे ग्लाइडिंग करते हैं ठीक है और सीलिया और इनमें मस्कुलर एंडुलेशन हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं इनमें इनकी लोकोमोशन के लिए और मस्कुलर एंडुलेशन यूज करते हैं सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडल मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन डेंसली सिलिएटेड वेंट्रल सर्फेस इनकी वेंट्रल सर्फिस पे बहुत सारे सीलिया हैं ठीक है और बॉडी फ्लैट है

कुछ में हाईली ब्रांच सिस्टम प्रेजेंट होता है ठीक है गट जो है वो ब्रांच ब्रांचेस uh, में डेवलप हुई होती है इन ब्रांचेस को हम सीकी कहते हैं ओके अदर टर्बिलेरियंस हैव डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स दैट आर टर्बिलेरियस अब हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं एक जो नंबर ए डायग्राम है ए सिला इनमें कोई भी फेरिंग्स नहीं है ठीक है और नंबर बी इनमें सिंपल फेरिंग्स है और स्ट्रेट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और कैविटी है नंबर सी इनमें जो है वो हमारे पास सिंपल फेरेंस है और अनब्रांच कैविटी है नंबर डी ब्रांच कैविटी है और नंबर ई एक्सटेंसिवली ब्रांच कैविटी विद फेरेंस इनमें प्रेजेंट है तो ए सिला है विदाउट एनी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मैक्रोस्टोमिडा जो है इनमें एक स्ट्रेट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है लेसितो अः इनमें भी तकरीबन स्ट्रेट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और फिर ट्राई क्लैडिडा ऑर्डर है इसमें ब्रांच है और पॉली क्लैडिडा में जो है वो एक्सटेंसिवली ब्रांच डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है विद फेरिंग्स ओके अब नेक्स्ट है जी अगेन हमारे पास हम फेरिंग्स के बारे में कुछ करेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे कि फेरिंग्स जो है वो इंजेस्टिव ऑर्गन का काम करता है यानी इनमें टंग एबसेंट होती है और यूजली हमारी बॉडी में ऐसा होता है कि हम जुबान को बाहर निकालते हैं और फूड को एनगल्फ करते हैं इनकी बॉडी में जुबान यानी टंग तो नहीं है लेकिन उसका जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कर रहा है वो है एज यू कैन सी हियर ये बॉडी की वेंट्रल साइड पे जो है ना इसका ये लोकेटेड है और यहाँ से ही इसकी बाहर की तरफ एक्सटेंशन होती है ठीक है यहाँ पे माउथ ओपनिंग है बॉडी के वेंट्रल साइड पे इसका माउथ है और फेरंगस वहीं से ही प्रोट्रूड आउट होगा बाहर निकलेगा और अपने प्रे को जो है वो एनगल्फ कर लेगा ठीक है और ये एक सिंपल सिलेटेड सी ट्यूब है एंड ट्यूब दिस ट्यूब यानी फेरेंस इट लाइज इन आ शीत एंड कैन प्रोजेक्ट आउट ऑफ द माउथ वेन फीडिंग यानी एक शीत में है ठीक है जैसे आपको नजर आ रहा है फेरेंस जो तो है वो एक शीत में प्रेजेंट है ठीक है और ये फेरेंस जो तो है वो बॉडी से बाहर फ्रूट आउट होगा बाहर निकलेगा जब भी, भी फीडिंग की जरूरत होगी ठीक है और प्लेनेरियंस uh, जो है ये कार्वोर्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्नी हैं प्लेनेरिया प्लेनेरिया जो है ये फ्री लिविंग फ्लैटफॉर्म है क्लास और बिलेरिया का मेम्बर है और ये कार्नी वोर्स है ठीक है ये दूसरे ऑर्गेनिज़म्स पे फीड करता है और इनवर्टिब्रेड्स पे ठीक है यह लार्ज डेड ऑर्गेनिजम्स पे एनिमल्स पे फीड करेगा कुछ हर्बी वर्ड भी हैं जो एल एलजी वगैरह पे फीडिंग करते हैं तो यू कैन सी हेयर होगा फ्रॉम ताकि और ये जो है लिपटा हुआ है जिसको हम फेरजियल शीत कहते हैं इनमें कीमो रिसेप्टर्स ऑन देयर हेड्स दैट हेल्प डिटेक्ट हेल्प डिटेक्ट फूड फ्रॉम कंसिडरेबल डिस्टेंस तो इनके जो है वो हेड के ऊपर कुछ कीमो रिसेप्टर्स हैं जो इनको फूड डिटेक्शन में हेल्प करते हैं और फूड डाइजेशन जो है वो इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर होती है और कुछ फेरेंजियल ग्लैंड्स जो है वो सिक्रिएट करते हैं एंजाइम्स को फॉर द फूड डाइजेशन और जब फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में या स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड हो जाती है फिर उसकी जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन की जाती है डाइजेस्टिव कैविटी में कुछ फेगोसिटिक सेल्स होते हैं जो इन छोटे छोटे यूनिट्स को पार्टिकल्स को एनगल्फ कर लेते हैं और फिर फूड जो है वो इंट्रा कंप्लीटली डाइजेस्ट की जाती है यानी पहले जो डाइजेशन का प्रोसेस होगा होगा वो होगा, और आफ्टर दैट वो इंट्रा सेलुलर हो जाएगा ठीक है देन है जी एक्सचेंजेस विद द एनवायरनमेंट तो अगर हम इसकी बात करें तो ये रिलीज करती है क्योंकि एक्वेटिक है और हमें पता है जितने एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो अमोनिया रिलीज करते हैं और जो प्लेनेरिया है क्योंकि फ्लैट फॉर्म है तो जनरल बॉडी सरफेस से इसका जो अमोनिया है वो रिलीज आउट हो सकता है डिफ्यूजन के जरिए और जो एनवायरनमेंट्स हैं उनमें बहुत से जो हैं वो ऑस्मोटिक एक्विलीबियम शो करते हैं इनकी बॉडी में और बाहर जो एनवायरनमेंट होगा उनमें सोल्यूड्स की कंसंट्रेशन सेम होगी ठीक है सो दे डू नॉट नीड टू मेंटेन और टू टू रेगुलेट रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स ठीक है जो फ्रेश वाटर इन्वर्टिव हैं Uh, वो बाहर तो उनकी एनवायरमेंट में सोल्ट कम है लेकिन वो अपनी बॉडी में हाइपरटोनिक की कंडीशन मेंटेन करते हैं यानी वो सोल्ट को कंजर्व करते हैं ठीक है एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज करना जो है वो उनकी अबिलिटी है सो दे मस्ट रेगुलेट द ऑस्मोटिक देशन ठीक है तो इनमें रेगुलेशन होती है जो ऑस्मोटिक एक्विलिब्रियम शो करते हैं उनमें रेगुलेशन नहीं होगी वो मेराइन एनवायरमेंट में है जो फ्रेश वाटर में है मोस्टली वो वो uh, जो है हाइपरटोनिक बॉडी की कंडीशंस को मेंटेन करते हैं यानी बाहर कम सॉल्ट है और बॉडी में ज्यादा मेंटेन करते हैं और इस मकसद के लिए जो है उनको अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर रिलीज करना होता है डिफरेंट मैकेस्मोरेगुलेटरी है। है? स्ट्रक्चर्स कुछ इनमें की स्पीशीज में जो है वो प्रोटोन जैसे प्लेनेरिया में भी प्रोटोनिया प्रेजेंट है ठीक है फॉर परफ्रीडिया को हम देख लेते हैं फर्दर इनका स्ट्रक्चर है तो ये हमें प्लेरिया की बॉडी दिखाई गई है पूरा यहाँ पे एक नेटवर्क है प्रोटोनिया जो है वो एक ट्यूबुलर टाइप एक्सक्रीटरी सिस्टम है और इसमें क्या होता है जी सिर्फ और सिर्फ बॉडी के बाहर वाली साइड पे जो है वो ओपनिंग्स प्रेजेंट है ठीक है और उन ओपनिंग्स को कहा जाता है नेफिडियो पोर्स और बॉडी की इंटरनल साइड पे कोई ओपनिंग्स नहीं होती जो ब्रांचेस हैं दीज आर कैप्ड बाय द सेलुलर सेटअप जिनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं ठीक है तो ये फ्लेम सेल्स का जो है ये एक स्ट्रक्चर हमें शो किया गया है इनको फ्लेम सेल्स इसलिए कहा जाता है कि इनमें सीलिया प्रेजेंट है एक न्यूक्लियस है और सीलिया है सीलिया की जब बीटिंग होती है इनकी बीटिंग जो है वो फ्लेम की तरह लग रही होती है फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह इसलिए इनको फ्लेम सेल्स का नाम दिया गया है अब हम इनको डिटेल में देखते हैं प्रोटोन एफ जो है वो नेटवर्क है टिब्यूल्स का और हम देख सकते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी इट इज रनिंग इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं ठीक है और ब्रांचेस uh, जो हैं दे आर हैविंग ओनली एक्सटर्नल ओपनिंग जिसको नफिडियोपोर कहा जाता है और जो इंटरनल है बॉडी ब्रांचेस उनमें कोई ओपनिंग नहीं है ठीक है सिर्फ ब्रांचेस के जो एंड्स हैं इनके ऊपर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं और फ्लेम सेल्स को नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनमें सीलियां हैं और जब वो बीट करते हैं तो उनकी बीटिंग जो है वो फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह दिखाई देती है इसलिए उन्हें फ्लेम सेल्स कहा जाता है ओके okay, फिर इनमें ओपनिंग्स को हम ऑलरेडी देख चुके हैं नेफ्रीडियो पोर्स कहा जाता है और बीटिंग ऑफ सिलिया की वजह से जो इनका इंटरस्टिशियल फ्लूड है वो फ्लूड यहाँ से बीटिंग ऑफ सिलिया की वजह से इन ट्यूब्यूल में मूव करता है देन एक्सक्रीटरी डक्ट में जाएगा और फिर वहां से नेफिडियो पोर के जरिए बॉडी से बाहर ठीक है तो एज अ रिजल्ट फ्लूड फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यू इज सक्ड थ्रू द फिनेस्ट्रेशन इनटू द ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल टू दाइड थ्रू दिडियो है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनका नर्वस सिस्टम देखेंगे सबसे पहले है जी ऑर्डर ए सिला इसमें हम देख सकते हैं कि एक नेटवर्क uh, ऑफ uh, जो है वो नर्व प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस, ओके, इसको सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस कहा जाता है और ये जो सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस है ओके सो नेक्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स, तो नर्वस सिस्टम में अगर हम देखें तो नर्वस सिस्टम जो है वो ऑर्डर ए सिला में एक बॉडी के नीचे एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स प्रेजेंट है जिसको हम सब एपिडर्मल नर्व फ्लेक्सिस कहते हैं ठीक है एंड देन uh, है जी हमारे पास फर्दर एक स्टेटोसिस्ट इन द एंटीरियर एंड इस ए ऑर्डर ए सिला के बॉडी के एंटीरियर एंड पे स्टेटोसिस्ट ये एक मिकैनो रिसेप्टर है जो कि प्रेशर को डिटेक्ट करता है ठीक है ताकि जो टर्बिलेरियन की बॉडी है वो ग्रेविटी को ग्रेविटी को जो है ना वो सेंस कर सके और डायरेक्शन में अपने आप को ऑरियंट कर सके देन है 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 कुछ टर्बिलेरियन्स में जो है, वो मोर नर्वस सिस्टम होता विद द मेंल गेंगलिया एज यू कैन सी हेयर गेंगलिया इज द नेटवर्क ऑफ ठीक है देन नर्वस सिस्टम जो है प्लेन एरिया का ये प्लेन एरिया है हमारे पास जिसको हम डिजेस्या भी कहते हैं इसमें सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस यानी नेट प्रेजेंट है बॉडी एंटीरियर साइड पे सेरिब्रल गेंगलिया है ठीक है पेयर ऑफ सेरिब्रल हैलंग्लिया एंड देन सेवरल ऑफ द लॉन्ग नर्व कॉर्ड्स जैसे आपको नजर आ रही हैं बॉडी लेटरल साइड पे रन करती हैं ये प्रेजेंट हैं और इन नर्व कॉर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो है वो पॉइंट्स ऑफ यूनियन हैं जिनको कमी शोर्स कहा जाता है ठीक है और नर्व कॉर्ड्स एंड द कमी शोर्स इनकी वजह से लेडर लाइक अपीयरेंस है इनके नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सेंसरी मोटर एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन्स ठीक है सेंसरी न्यूरॉन्स वो हैं जो कि गोइंग द प्रेमेटिव ब्रेन और मोटर uh, न्यूरॉन्स हैं आर गोइंग अवे फ्रॉम द ब्रेन एंड एसोसिएटिव वो है जो इन दोनों को कनेक्ट करेंगी ठीक है तो ये इनके ऑरिकल्स हैं सेंसरी स्ट्रक्चर्स और इनके आई स्पॉर्ट हैं ओके जिनको हम ऑसिलाई भी कहते हैं तो एंटीरियरली द नर्वस टिश्यू कॉन्सेंट्रेट इन टू अपेयर ऑफ द सेरिब्रल गैंगलिया तो बॉडी के एंटीरियर साइड पे जो सेरिब्रल गैंगलिया है यानी नेटवर्क ऑफ क्लस्टर ऑफ न्यूरो हम प्रिमेटिव ब्रेन भी कहते हैं इट्स नॉट अ ट्रू ब्रेन ये डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है ठीक है प्रिमेटिव ब्रेन इसको कहा जाता है देन है हमारे पास फर्दर नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स तो इनमें मेनी टेस्टाइल एंड सेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी और ये क्या करते हैं डिटेक्ट द टच वाटर करंट एंड केमिकल्स ठीक है तो कुछ टेक्सटाइल और सेंसरी सेल्स इनकी बॉडी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं जो कि टच को water currents को chemicals को वाटर करंट्स केमिकल्स डिटेक्ट करते हैं ऑरिकल्स ये सेंसरी लोब्स हैं दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द हेड एज यू कैन सी हियर ठीक है और कीमो uh, रिसेप्टर्स हैं ये फूड की लोकेशन में हेल्प करते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं इन ऑरिकल्स के अंदर और मोस्ट टर्बिलेरियंस है कहा जाता है जी ऑसिलाई ये जो आई स्पोर्ट्स है, हैं ठीक है एंड ऑसिलाई जो है वो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं कि वो डायरेक्शन ऑफ लाइट की तरफ अपने आप को ओरिएंट करें ईच ऑसिलस कंसिस्ट अ कप लाइक डिप्रेशन लाइन विद द ब्लैक पिगमेंट ठीक है यानी ये जो हमारे पास ईच ऑसिलाई है या ईच आई स्पॉट है

इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑर्गेनिज्म कर सके the बात करते हैं टर्बीले है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रांसफर्स फिशन ठीक है यानी बॉडी जो है उसकी डिवीजन हो रही है बॉडी की ब्रेकिंग हो रही है बॉडी जो है वो पार्ट में डिवाइड हो रही है ठीक है और ये जोन ऑफ फिशन है यानी यहाँ से बॉडी डिवाइड होगी और फिर हर जो पार्ट है वो अपने मिसिंग uh, पार्ट को दोबारा रिजनरेट कर लेगा तो एक तरह से इनकी रीजनरेशन भी कहलाती है ठीक है एंड फिशन uh, uh, so एक रीजन जहां से स्टार्ट होती है फिशन एंड द टू और मोर एनिमल्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द फिशन इनको हम जूड्स कहते हैं ठीक है तो ये दो ऑर्गन्स या दो एनिमल्स जो कि फिशन के रिजल्ट में बन रहे हैं ये जुइड्स कहनाएंगे ओके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पूरा इसमें इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शो किया गया है टेस्टिस हैं, टेस्टिज हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है तो एज यू कैन सी हेयर इनमें जो टेस्टिज है दीज आर लीडिंग टू द स्पर्म डेफरेंस वॉस डेफरेंस के आगे ऑर्गन आता हैल वेजिकल से ठीक है और पेनिस जो है इट इज लीडिंग टू द जेनिटल चैम्बर इसी तरीके से जेनिटल चैम्बर इज लीडिंग टू द जेनिटल पोर्ट यानी ये वो पॉइंट है जहां से स्पॉम्स बॉडी को लीव करेंगे फिर ओवरिंग है आर तो ओविड़क्त. ओविड़क्त के साथ ही आपको स्वेल्ड पोर्स नजर आ रहे हैं ये योक ग्लैंड कहलाते हैं जो यॉक एक्ट योक से क्रिएट करेंगे वाइटल भी इनको कहा जाता है और फर्दर लीडिंग टू दैम्बर्स एंड द जेनेटल कोर तो सबसे पहले ये मोनो एशियस है ठीक है और जो है वो मिजर डर्मल टिश्यू से इनका पूरा जो रिपोर्डक्टिव सिस्टम है वो अराइज होता है और पेयर्ड टेस्टिस प्रेजेंट है अलंग दाइड ऑफ दिख चुके हैं ऑलरेडी और स्पर्म डक्ट यानी वॉस्ट एफरेंस फिर सेमिनल वर्जिकल आता है ये स्पर्म स्टोरेज ऑर्गन है और फिर इनमें प्रोट्रूजिबल पेनिस है फॉर इंजेक्टिंग द स्पर्म्स इनटू द नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स बॉडी ठीक है एंड देन है हमारे पास पेनिस प्रोजेक्ट इंटू द जेनिटल चैम्बर वो भी हम देख चुके हैं कि पेनिस के नेक्स्ट आता है जेनिटल चैम्बर और फीमेल सिस्टम हैज वन टू तो मैनी पेयर्स ऑफ ओवरीज तो ये पेयर्स ऑफ ओवरीज एक से ज्यादा भी हो सकती हैं

कपिलेट्री फ्रॉम द जब पेनिस जो है वो अः ऑपोजिट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में स्पॉम्स को इंजेक्ट करता है तो कपूलेट्री टू दैम्बर चैम्बर में मूव करते हैं जेनेटल चैम्बर इज लीडिंग टू द ओविडक्ट तो यहां से मूव करेंगे ओविडक के अंदर स्पम्स ठीक है और अब यहाँ पे जो ओविडक्ट के साथ ग्लैंड है योक ग्लैंड ये सिक्रीट करते हैं योक ठीक है योक अराउंड द एग ऑफ दीमेल ठीक है और फिर यहाँ पे ओबिडक् फर्टिलाइजेशन हो रही होती है तक रीच करते हैं और यहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन होगी फर्दर ठीक है और एग्स आर लेड विद और विदाउट अ जेल लाइक मैस अ हार्ड कैप्सूल कार्ल कोकून तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके जो एग्स हैं उनके अराउंड एक जेल लाइक मैस होता है और जो है वो एक हार्ड कैप्सूल है जिसको हम कोकून कहते हैं ठीक है कोकून अटैच सबस्ट्रेट एंड एक कोकून में फिर बहुत सारे एम्ब्रियोस बनते हैं और कुछ में जो है वो डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है और कुछ में जो है वो लार्वा की भी फॉर्मेशन है और जिनमें लार्वा की फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो से उस लार्वा को हम कहते हैं मुल्लर्स लार्वा ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है टर्बिलेरियस uh, टर्बिलैरिया uh, यानी कि जो हमारे पास प्लेटफॉर्म हैं उनके लार्वा का नाम जो है वो मुलर्स लार्वा है ठीक है एंड इट हैज द दसिएटेड एक्सटेंशन फॉर फीडिंग एंड लोकोमोशन ये लार्वा जो है वो फीडिंग भी करता है एंड देन फिर वो सेटल डाउन हो जाता है लार्वा और फर्दर यंग टर्बुलरियंस में डिवेलप हो जाएगा तो ये हमारा हो गया है जी कंप्लीट क्लास टर्बिलेरिया इसकी फर्दर अब हमें सब क्लासेस जो है वो स्टडी करनी है तो उसकी नेक्स्ट uh, हमारे पास क्लास मोनोजीनिया है ठीक है क्लास ट्रबिलेरिया हम देख चुके हैं नेक्स्ट हमारे तो पास सेकंड क्लास है क्लास मोनोजीनिया फर्स्ट क्लास ट्रबिलेरिया ऑफ द फाइलम प्लेटियल मिथिस एंड द सेकंड क्लास मोनोजीनिया तो क्लास मोनोजीनिया जो है वो इसको हम देखते हैं मोनोजेनेटिक फ्लूक्स इनको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनमें एक ही जनरेशन होती है ठीक है यानी वन एडल्ट जो है वो एक ही एक्स डेवलप होगा और ये एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं फ्रेश वाटर और के, उनकी गिल्स के साथ गिल के साथ ये अटैच हो जाते हैं और उनके एपिथिलियल सेल्स या म्यूकस या ब्लड के ऊपर फीडिंग करते हैं ठीक है एक्सटर्नल पेरासाइट्स हैं ऑफ मेराइन और फ्रेश वाटर फिशीज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इनको नाम क्यों दिया गया है ऑनली वन जनरेशन की वजह से यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द एमसीक्यूज देन है इनमें एक लार्ज पोस्टीरियर अटैचमेंट ऑर्गन है जिसको ओपिस्थर uh, कहा जाता है ठीक है ये लार्ज पोस्टीरियर इनका अटैचमेंट ऑर्गन होता है जिसको हम ऑपिस्थेप्टर कहते हैं ओके सो बॉडी की पोस्टीरियर साइड पे जो है वो इनमें एक अटैचमेंट ऑर्गन है जिसको ओपिस कहा जाता है ठीक है एंड देन uh, जो है वो adult monogenians uh, produce and release the eggs that have one or more sticky threads that attach the eggs to the fish gill so jo adult monogenians hain wo eggs release karte hain jinke sath threads honge sticky threads jinki help se wo fish ke gills ke sath easily attach ho sake theek hai और इनमें eventually जो है वो एक larva लार्वा बनता है जिसको हम ऑंकोमिरासीडियम कहते हैं वो एग से हैच आउट होगा और फिर स्विम करके एक और जो होस्ट फिश है उसकी बॉडी में जो है वो रिजाइड करेगा ठीक है और ये हमारे पास इसके जो है वो डिटेल्स हैं कि इट हैज ओनली वन जनरेशन एंड एक्टोपेरासाइट हैं ठीक है और फिश की गिल फिलामेंट्स के साथ अटैच होते हैं ऑपिस्थेप्टर ऑर्गन है फॉर अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेट और इनमें ऑंकोमिनासीडियम लार्वा बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है टर्बिलेरियंस का जो लार्वा है वो मुलर्स लार्वा है और मोनोजीनिया का जो लार्वा है वो सीडियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लार्वास में डिस्टिंग्विश करना ठीक है नैन जो है है वो हमारे पास क्लास है। तो ये थर्ड क्लास है पहले हम इसके कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे और फिर जो है वो हम स्टडी करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन को तो अकॉर्डिंग टू द मिलर एंड हार्डली फिफ्थ एडिशन इसकी टोटल एट थाउजेंड स्पीशीज हैं ठीक है और टेन थाउजेंड स्पीशीज हैं अकॉर्डिंग टू द टेंथ एडिशन

इंटरमीडिएट होस्ट है एक तरीके से और जो फाइनल या डेफिनेटिव होस्ट हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं देन हमारे पास जो है ये मोस्टली फ्लैट हैं ओवल शेप्ड भी हो सकते हैं इलांगेटेड भी हो सकते हैं वन मिलीमीटर से सिक्स सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है ठीक है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इसमें माउथ है मस्कुलर फेयरिंग्स है जैसे आपको नजर आ रहा है माउथ है और मस्कुलर फेयरिंगस है इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ठीक है और देन जो इनकी इनका जो फेरिंग्स है जो है डिवाइड हो जाती है टू ब्रांचेस के अंदर टू मेन ब्रांचेस के अंदर जिनको हम सिकी कहते हैं ये ब्लाइंड एंडेड एंडेड हैं ठीक है तो एंटीरियर माउथ डिवाइडेड इनटू टू ब्लाइंड एंडेड पाउचेस जिन्हें हम सिकी कहते हैं और इनको फ्लूक्स कहा जाता है जनरली नैन हमारे पास इनकी जो है वो स्किन uh, की या एपिडर्मिस की बात करते हैं तो एपिडर्मिस जो है वो इसमें एक आउटर लेयर होती है जिसको टेग्यूमेंट कहा जाता है दिस वन इज द आउटर जोन ऑफ द टेग्यूमेंट ठीक है एंड द आउटर जोन ऑफ द टेग्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक लेयर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स जिसको ग्लाइको हम कहते हैं ये जो आउटर लेयर uh, है आउटर uh, जोन है टेग्यूमेंट का जो एपिडर्मिस है उसको हम टेग्यूमेंट कहते हैं टेग्यूमेंट का इनर जोन है आउटर जोन है आउटर जोन जो है वो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स से मिलकर बना है जिसको कलेक्टिवली हम ग्लाइको कैलिक्स कहेंगे ठीक है ग्लाइको कैलिक्स के कुछ फंक्शंस हैं uh, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स वेस्ट और गैसेस अक्रॉस द बॉडी वॉल इसमें हेल्प करेगा ठीक है और ये प्रोटेक्ट करता है इन uh, ट्रीमाटोर्ड्स uh, को फ्रॉम द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट जिसकी बॉडी में ये ट्रीमाटोड एज अ पैरासाइट रहते हैं ठीक है और आल्सो फाउंड इन दिस जोन आर द माइक्रोविलाई जो आउटर जोन है उसमें कुछ माइक्रोविलाई भी हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स जो है वो उनका एक्सचेंज हो सके इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी और कुछ साइटोप्लाज्मिक हैं यू कैन सी हियर ये कनेक्ट कर रहे है, okay? Then, हैं टेग्यूमेंट को विद द साइटोप्लाज्मिक बॉडीज ओके देन सब क्लासेस हैं हमारे पास ट्रिमाटोडा की तो सब क्लासेस में दो क्लासेस हैं सब क्लास एस्पिडोगेस्ट्रा एंड सब क्लास डायजीनिया तो सब क्लास एसपीडो गेस्ट्रा के बारे में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे ठीक है सब क्लास एसपीडो जो है ये इंटरनल पैरासाइट है की. और इनमें जो है वो एक ओवल होल्ड फास्ट ऑर्गन है ओपिस थेप्टर ठीक है ये बॉडी की वेंटल सरफेस पे है और ये पूरी इसकी वेंटल सरफेस पे जो है ना वो फैला हुआ है और फिर इनमें जो है वो ओपिस थेप्टर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट ऑर्गन है एंड इससे ज्यादा होस्ट भी इनमें हो सकते हैं ठीक है और अगर ज्यादा होस्ट हैं उनमें वर्टिब्रेट्स या फिशेस जिनमें फिशेस और टर्टल्स वगैरह इनका फाइनल होस्ट होगा ठीक है और दैट बिकम्स इन्फेक्टेड बाय इंजेस्टिंग अ मॉलस दैट कॉन्टेन्ट दीडोगेस्ट और इस केस में इनका जो इनकी जो इमेर स्टेजेस हैं उनका जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो मोलस्क होगा ठीक है देन है जी सब क्लास डाइजीनिया तो सब क्लास डाइजीनिया जो है इनमें दो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं एडल्ट और लार्वल स्टेजेस दोनों एग्जिस्ट करती हैं लार्वल स्टेजेस एक से ज्यादा भी हो सकती हैं इस वजह से इनमें दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं तो दैट्स वाई इनको डायजीनिया कहा जाता है ठीक है मोनोजीनिया में हमने देखा कि एक ही लाइफ साइकिल है एक सिंगल एक्स से एडल्ट में डेवेलपमेंट हो जाती है यहाँ पे एडल्ट हैं और एक से ज्यादा लार्वल स्टेजेस भी हैं That's why इनको कहा जाता है, है? ठीक और इनमें जो है वो एटलीस्ट टू इनको डिफरेंट होस्ट चाहिए और वर्टिब्रेट्स है, है? है, की बॉडी में जो ब्लड स्ट्रीम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है इन सब में ये एग्जिस्ट करते हैं यानी यहाँ ये सरवाइव करेंगे होस्ट के अ uh, होस्ट की बॉडी में और वन और मोर इंटरमीडिएट होस्ट इनमें प्रेजेंट हो सकते हैं एक से ज्यादा इंटरमीडिएट होस्ट हो सकते हैं और इंटरमीडिएट होस्ट में जो है वो इनकी लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं इन मेचोर स्टेजेस होती हैं और जो एडल्ट स्टेजेस हैं वो डेफिनेटली वो फाइनल होस्ट में है इनकी बॉडी के साथ टू लार्ज सक्कर अटैच होते हैं एक एंटीरियर सकर है ओरल सकर ठीक है एंड अदर शक्कर जो है उसका नाम है एसिटाबुलम ये वेंट्रली uh, लोकेटेड है इन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी तो ये दो हमारे पास लार्ज सक्कर बॉडी में जो प्रेजेंट है ठीक है Then, diagenia, जो है उसका लाइफ साइकिल देखते हैं हम तो लाइफ साइकिल को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इनके जो एग्स एक्स ऑफ द डायजीनिक्रीमाटोड ये ओवल है ठीक है और इनमें लिड लाइक ऑपरकुल प्रेजेंट होता है इनमें लिड लाइक ओपरकुलम प्रेजेंट है और फिर जो है वो जब एक एग फ्रेश वाटर तक जाएगा तो अपरकुलम ओपन हो जाएगा और उसमें से एक सिलियेटेड लार्वा बाहर निकलता है जिसको हम मेरा सीडियम कहते हैं ठीक है और फिर मेरा सीडियम जो है वो जब तक उसको अपना फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट नहीं मिल जाता जो कि एक स्नेल है तब तक ये स्विम करता रहेगा फ्रेश वाटर के अंदर और स्नेल के मिलते ही ये स्नेल की बॉडी में पेनिट्रेट कर जाएगा ठीक है एंड देन इट विल पेनिट्रेट इन द स्नेल्स बॉडी अपने सीलिया लूज कर देगा और डेवलप हो जाएगा स्पोरोसिस्ट के अंदर जैसे हमें नजर आ रहा है कि ये फ्रेश वाटर एनवायरमेंट है और इसमें जो मेरा सीडियम लार्वा है स्नेल की बॉडी में एंटर हो चुका है और अब इसके सीलिया लूज हो चुके हैं और इट्स बीन कन्वर्टेड टू तो स्पोरोसिस्ट देन स्पोरोसिस्ट जो है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसमें बहुत से एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं और द डेवलप इनटू द डॉटर स्पोरोट्स जिनको हम रेडियाई भी कहते हैं यानी स्पोरोसिस्ट में एक लाइक स्ट्रक्चर -like है इसमें एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं और ये एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं वो छोटे डॉटर में कन्वर्ट हो रहे होते हैं जिनको रेडियाई कहा जाता है ठीक है देन जो है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी यहाँ इस पॉइंट पे और फ्रॉम अगल मेरा सीडियम हंड्रेड ऑफ स्पोरोसिस्ट बनेंगे और इनके अंदर हंड्रेड ऑफ रेडियाई बनेंगे बाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है और इसके बाद जो नेक्स्ट लार्वर स्टेज है वो सरकैरिया है सरकैरिया अब नेक्स्ट uh, क्या होगा हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ दर्कैरिया इज नॉन एज द पोली एम्ब्रियोनी ये फिनोमिना है फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग मैनी सरकेरिया उसको हम कहते हैं पोली एम्ब्रियोनी अब फिर क्या होगा uh, नेक्स्ट की जो सरकेरिया लार्वा है ये स्नेल की बॉडी को लीव करेगा एंड देन इट विल स्विम फ्रीली अंटिल ये अपने सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट को ना ढूंढ ले जो कि डेफिनेटिव होस्ट है वो डेफिनेटली एक वर्टिब्रेट होगा या कोई इनवर्टिब्रेट की बॉडी होगी या कोई प्लांट होगा ठीक है एंड तो जब, uh, जब सरकेरिया को अपना सेकेंड होस्ट मिलेगा यानी इंटरमीडिएट या उसके बाद उसका जो फाइनल uh, होस्ट है तो उसकी बॉडी में जाने के बाद होगा ठीक है एज तो ये मेटा सर्कैरिया में कन्वर्ट uh, हो जाएगा एंड उसका डेफिनेटिव होस्ट उसको मिलेगा ठीक है तो फिर बॉडी में जाके होगा और डेवलप हो जाएगा एडल्ट में ठीक है तो पहले एग है अपरकुलम के थ्रू इसमें से लार्वा निकलेगा मेरा सीडियम जो स्नेल की बॉडी में एंटर होके स्पोरोसिस्ट में रेडियाई में कन्वर्ट होगा सरकेरिया जो है वो लीव करेगा स्नेल uh, की बॉडी को फिर जो है ये अपना सेकंड जो इसका इंटरमीडिएट होस्ट है उसको फाइंड आउट करेगा उसकी बॉडी में में डेवलप होगा और फिर जो है वो जब एंटर होगा एक डेफिनेटिव होस्ट की बॉडी में तो मेटासरकैरिया जो है वो उसकी एक्सिस्टिंग होगी और वो फाइनली एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है इसका लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी सारी की सारी जो स्टेजेस हैं यानी कि स्टेज के बाद कौन सी स्टेज बन रही है और इनमें जो लार्वा है वो मेरा सीडियम लार्वा है ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनमें मेरा सीडियम लार्वा है जो फर्दर फिर डिफरेंट स्टेजेस में कन्वर्ट हो रहा है ठीक है तो ये सारी स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए सो so, अब हमने दो सब क्लासेस जो है वो स्टडी कर ली है ट्रीमाटोर्ट्स की और अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल स्टडी करेंगे प्लस उनके लाइफ साइकिल्स देखेंगे ठीक है वो वाले आ, हमारे पास ट्रीमाटोर्ड्स जो कि ह्यूमन के, के पैरासाइट्स हैं स्पेसिफिकली ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लाइफ साइकिल्स फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास चाइनीस लिवर फ्लूक जिसका साइंटिफिक नेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसका साइंटिफिक नेम भी और इसका लाइफ साइकिल भी तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका लाइफ साइकिल बिल्कुल जो हमने जनरल लाइफ साइकिल स्टडी किया है बिल्कुल वैसा ही होगा तकरीबन ठीक है ये कॉमन पैरासाइट है एशियन ह्यूमंस का और ये जो है वो लिवर फ्लूक है इसका मतलब ये लिवर लिवर की जो बाइल डक्ट है वहां पे रहता है और वहीं पे जो है ब्लड के ऊपर फीडिंग करेगा ठीक है जो इसके एडल्ट है, ये एग्स को रिलीज करते हैं बाइल डक्ट से और फिर जो एग्स है वो इंटेस्टाइन से होते हुए फिशिस के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं जैसे आपको नजर आ रहा है ठीक है अब इन एक्स के अंदर जो है वो मेरा सीडियम लार्वा होगा अगेन जो मेरा सीडियम लार्वा है वो अपना फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट यानी स्नेल को ढूंढेगा और उसकी बॉडी में जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगा तो मेरा सीडिया लार्वा जो है वो रिलीज होगा एंड देन uh, मेरा सीडियम लार्वा जो है वो होस्ट uh, की बॉडी में फॉलोइंग द स्पोरोसिस्ट एंड द रेडियल स्टेजेस दी सरिया एमर्ज इन टू द वॉटर यानी अगेन के वो स्पोरोसिस्ट में डेवेलप होगा देन रेडियल स्टेजिज में फिर सरकेरिया और जो सरकेरिया है आप हम देख सकते हैं कि होस्ट की बॉडी में फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट की बॉडी में थ्री टू फोर वीक्स लगते हैं इसको अपनी ये सारी स्टेजेस कंप्लीट करने में देन सरकेरिया इसको लीव करेगा स्नेल को और अपना जो सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट है फिश ठीक है तो उसकी बॉडी में पेनीट्रिएट कर जाएगा एंड इट पेनीट्रिएट्स दर्म द फिश लूज इट स्टेल एंड एनस एनसिस्ट होके क्या होगा मेटा सरकैरिया में डिवेलप हो जाएगा एंड देन फर्दर क्या होगा ये मेटास जो है ये जब इसको एक फाइनल की बॉडी में एंट्री मिलेगी तो ये वहां पर एक्सिस्ट होगा और फिर फाइनली एडल्ट में कन्वर्ट होगा सो दिस वन इज द पीस ऑफ इन्फेक्टेड फिश इसको अगर कोई ह्यूमन खाता है तो ये जो तो है ये ह्यूमन की बॉडी में एंटर हो जाएगा ओके okay? देन है हमारे पास शीप लिवर फ्लू इसको फेशियोला हेपेटिका कहा जाता है ठीक है और इसमें जो है वो इसका भी जो डेफिनेटिव होस्ट है वो शीप है या ह्यूमन है ये भी बाइल डक्ट ऑफ लिवर में रिजाइड करता है ठीक है और अगेन इसका वही सेम हमारे पास जो है वो पूरा लाइफ साइकिल है जो हम जनरल स्टडी कर चुके हैं एंड ईच एंड एवरी बिल्कुल वैसी ही है इसमें तो हम इसको देख लेते हैं अगेन एक् है उसका मेरा सीडियम लार्वा है स्नेल में वो कन्वर्ट होगा स्पोरोसिस्ट से स्कोरसिसकेरिया में और फिर इसका सेकंड होस्ट इसको मिलेगा इंटरमीडिएट होस्ट जिसमें ये मेटा सर्कैरिया में डेवलप होगा ठीक है और फिर जो मेटा सर्कैरिया है फाइनली जब इसको डेफिनेटिव होस्ट में एंट्री मिलेगी तो ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ओके ह्यूमेंस में बी कम इन्फेक्टेड विथ दोला हेपेटिका बाय ईटिंग द फ्रेश वाटर प्लांट इसको हम वाटर क्रेस भी कहते हैं क्योंकि ये मेटासर जो है ये वहीं पे ही प्रेजेंट होगा ठीक है देन है जी ब्लड फ्लूक इसको हम स्किस्टोसोमा कहते हैं इसकी जो है वो डिफरेंट स्पीशीज हैं लाइक स्किस्टोसोमा हिमेटो हिमेटोबियम एंड स्किस्टोसोमा मैंसुनाई एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी स्पीशीज है अब हम इसका लाइफ साइकिल हैं ये हैं ठीक है यानी सेपरेट इनमें मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट वर्म्स होते हैं जो मेल है वो शॉर्टर है, है? Uh, separate, और thicker है ठीक है मेल जो है वो शॉर्टर है. है, है और uh, thicker है और फीमेल्स जो है, है वो elongated है और सिलेंडर है इनकी बॉडी जो है ना वो थोड़ी सिलेंडर होती है और यहीं पे ही इनका कंप्लीट जो है वो मेटिंग होगी फिर में जो है फर्टिलाइजेशन होगी और जो एग्स है uh, की से इन हर लाइफ टाइम स्पाइन इनके एग्स में एक स्पाइन होता है होस्ट टिश्यू यानी स्पाइन की हेल्प से ही ये होस्ट की टिश्यू से मूव करते हुए अल्टीमेटली जो है ये यूरिन या फेसिस के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज हो रहे होते हैं ओके एंड इनमें अपरकुलम एब्सेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको नोट कर लें ब्लड का जो लार्वा है उसमें है एग्स का अपरकुलम एबसेंट है ठीक है फर्दर विल कंटिन्यू विद द लाइफ साइकिल के मेरा सीडियम स्कैप करेगा ठीक है थ्रू अ स्लिट इन द एग यानी इनमें ओपरकुलम नहीं है लेकिन एक छोटी सी ओपनिंग होती है देन फ्रेश वाटर में जाएगा और वहाँ से कीमोटेक्सिस के जरिए जो है ये एक ये मेरा सीडियम लार्वा जो है वो अपने इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल की बॉडी में पेनीट्रिएट करेगा वहाँ पे स्पोरोसिस्ट से सरकैरिया तक की जो स्टेजेस हैं उनकी डेवलपमेंट होगी अब इनमें रेडियल जनरेशन नहीं होती यानी स्पोरोसिस्ट से रेडियाए इनमें नहीं बनते ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है सरकैरिया जो है वो लीव करता है स्नेल की बॉडी को और फिर स्किन ऑफ द ह्यूमंस से उनकी बॉडी में पेनीट्रिएट कर जाता है एज एज वेल इनमें स्टेज भी है है ठीक यानी स्नेल की बॉडी में जो है वो स्पोरोसिस्ट से डायरेक्टली सर्कैरिया में डेवलप हो जाएगा और ये स्पोरोसिस्ट से डायरेक्टली सरकैरिया में डेवलप हो रहा है और सरकेरिया कोई सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट नहीं ढूंढता मेटा सर्कैरिया में डेवलप होने के लिए मेटा सर्कैरिया की स्टेज में इनमें एबसेंट है स्किप है और फिर डायरेक्टली सरकैरिया जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है ह्यूमन की बॉडी में ठीक है तो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास क्लास ट्रीमा उसकी सब क्लासेस हमने पढ़ी एसपीडोगैस्ट्री और डाइजीनिया और फिर हमने जो है वो इम्पोर्टेंट ह्यूमन जो ट्रीमाटोड पैरासाइट्स हैं उसमें लिवर फ्लूक है ब्लड फ्लूक है ठीक है चाइनीज लिवर फ्लूक है ये सब हमने उनके लाइफ साइकिल पढ़े इन सब के लार्वास उनकी स्टेजेस ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस इन सब वर्म्स के नाम और इनके साइंटिफिक नेम्स ठीक है ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब हमारे पास है जी लास्ट क्लास क्लास जिनको हम वाइट तो ये से, से येलो या ग्रे है, वन मीटर से 25 मीटर इनकी होती है और दो अडेप्टेशन हैं इनकी एक तो ये पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए इनमें माउथ या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एबसेंट है ठीक है ये सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं अक्रॉस देयर बॉडी वॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका करेक्टरिस्टिक है स्टोर्ड में जो है ना वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एबसेंट है देन इनकी बॉडी ये भी इनका फीचर बाकी सब जो डिफरेंट है कि इनकी बॉडी में जो है ना वो रिपीटिंग यूनिट्स हैं यानी सेगमेंट्स की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जिनको प्रोग्लोटिड्स कहा जाता है जैसे ये आपको नजर आ रही है इसकी सेगमेंटेड बॉडी प्रोग्लोटिड्स ये एक प्रोग्लोटिड है ये नेक्स्ट है ठीक है तो ये हमारे पास जो है वो और हर प्रोग्लोटिड के अंदर कंप्लीट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जैसे ये आपको एक प्रोग्लोटिड दिखाया गया इसमें ही इसकी टेस्टिस और यानी कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनमें प्रेजेंट है ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके हैं इनमें माउथ और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एबसेंट है और प्रोग्लोटिड यानी बॉडी सेगमेंट्स इनमें प्रेजेंट है देन सब क्लासेस हैं हमारे पास सिस्टोडी की सिस्टोडेरिया एंड यू सिस्टोडा फर्स्ट सब क्लास है सिस्टोडेरिया तो सिस्टोडेरिया जो है ये हैं फिशेस के

नहीं होते ठीक है देन है जी सब क्लास यू सिस्टोडा जिनको हम ट्रू टेप फॉर्म भी कहते हैं तो इनको देखते हैं इनकी बॉडी के थ्री रीजन हैं। फर्स्ट रीजन जो है वो स्कोलेक्स है स्कोलेक्स ये पूरा स्कोलेक्स का स्ट्रक्चर है ठीक है और ये होल्ड फास्टिंग स्ट्रक्चर है इनकी बॉडी का लीफ लाइक -like सक्कर हैं इसके ऊपर ठीक है सर्कुलर और लीफ लाइक -like हैं जिनको हम रोस्टेलम और इसके अलावा इनमें रोस्टेलम ऑफ हुक्स प्रेजेंट है माउथ इनमें एबसेंट है तो ये पूरा स्कॉलेक्स कहलाएगा ये फर्स्ट पोर्शन है इनकी बॉडी का ठीक है होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर दैट द सर्कुलर और लीफ लाइक सकर्स ये आपको नजर आ रहे हैं इनमें सर्कुलर और लीफ लाइक सकर्स हैं और फिर इनमें जो है वो प्रेजेंट है कुछ हुक्स एक न, हमारे पास कहने क्लस्टर ऑफ हुक्स है जिसको हम रोस्टे, रोस्टेलम कहते हैं स्कॉलेक्स स्कॉलेक्स में सकर्स और क्लस्टर ऑफ हुक्स जिसको रोस्टेलम कहा जाता है सेकेंड पार्ट है जी इनका नेक ठीक है तो स्कोलेक्स से नीचे जो है वो नेक प्रेजेंट है ये है और इससे नीचे सेकेंड पोर्शन नेक है और लास्ट वाला जो पोर्शन है इनका कि नेक के बाद थर्ड बॉडी रीजन है जिनको हम स्ट्रॉबिला स्ट्रॉबिलाईजेशन हुई है अब ये इनके सेगमेंट्स बनते जा रहे हैं तो स्ट्रॉबिला तो ये तीन बॉडी के पार्ट्स हैं स्कोलेक्स नेक और स्ट्रॉबिला ठीक है स्ट्रॉबिला जो है वो है क्या बेसिकली

एग्स और वो वाले प्रोग्लोटिड्स जिनमें जो है वो कम्प्लीटली वो मेच्योर हो चुके हों ठीक है और उनमें एग्स सारे अक्यूमुलेट हो चुके हों उन्हें हम ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स भी कहते हैं जो भर चुके हों पूरे के पूरे फुल ऑफ एग्स हों ठीक है सो so, सब क्लास यू सिस्टोडा को अब हम देखते हैं इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा इनमें बहुत सारी टेस्टिस हैं जो आप देख सकते हैं ये ब्लू स्पॉट्स जो तो हैं ये टेस्टिस हैं ठीक है और ये सारी की सारी टेस्टिस जो हैं वो इस के अंदर फैली हुई है एंड दे डिलीवर स्पर्म वाया डक्ट सिस्टम टू द दिलेटरी ऑर्गन जिसको सेरस कहा जाता है यानी ये एक डक्ट सिस्टम है ठीक है उसके थ्रू ये जो टेस्टिस हैं ये स्पर्म्स ट्रांसफर कर रही हैं तो दिस स्ट्रक्चर जिसको हम सीरस कहते हैं ये कपिलेट्री ऑर्गन है तो यहाँ से ये सारी के सारे जो स्पॉम्स बनते हैं वो इस स्पॉम डक्ट के थ्रू मूव करते हैं कपिलेट्री ऑर्गन सीरस और वहां से जेनिटल पोर की तरफ ठीक है तो सीरोसोपन्स इंटू जेनिटल पोर और फिर इनमें ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ओवरीज प्रेजेंट है सिंगल पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है पर प्रोगलॉटेड ठीक है जो एग्स बनाती है and sperm stored in a seminal receptacle fertilize the eggs ठीक है तो इनमें एक seminal receptacle uh, organ है जिसमें sperm store होते हैं और oviduct duct में मौजूद eggs को ये जो uh, sperm हैं ये fertilize करेंगे ठीक है vitelline cells present हैं again vitelline cells या glands जो के जो है ना वो eggs के अराउंड secretions प्रोड्यूस करते हैं as you can see here ठीक है seminal receptacle है ये और ये इनमें योक ग्लैंड हैं और फिर वो टाइप इज एन एक्सपेंडेड रीजन ऑफ द द द दैट शेप्स कैप्सूल अराउंड एग्स तो ये वो टाइप है ठीक है ये एक जो है ना वो एक्सपेंडेड रीजन होता है और ये जो है वो कैप्सूल से क्रिएट करता है एग्स के अराउंड वो टाइप इज सराउंडेड बाय द महलिस ग्लैंड वो टाइप के अराउंड एक महलिस ग्लैंड है ठीक है जो एक कैप्सूल बनाता है एंड देन इनमें ब्लाइंड एंडिंग यूट्रस भी प्रेजेंट होती है जहां एक्स अक्यूमुलेट होंगे ठीक है और जब एक्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं एक प्रोग्लोटिड के अंदर तो उसको हम ग्रेविड प्रोग्लोटेड कहते हैं यानी उसमें बैग्स ऑफ एक्स प्रेजेंट है ठीक है सो एट दू प्रोगेड्स हैं दे विल ब्रेक फ्री और इनमें से जितने भी हमारे पास रिलीज होंगे यूट्रस ओपन होगी या तो बाहर की तरफ और वर्म्स बाहर रिलीज हो जाएंगे या फिर प्रोग्रोटिड्स की ब्रेकिंग होगी और फिर फर्दर जो है वो उनके जयगोड्स वगैरह डेवलप होंगे एडल्ट्स के अंदर ठीक है तो अब हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट टेपकॉम पैरासाइट्स हैं ऑफ ह्यूम वो टेप फॉर्म्स जो ह्यूम की बॉडी में रहते हैं ठीक है पे करते हैं। तो फर्स्ट वन है बीफ टेप इसको हम टेनी रेंजीस भी कहते हैं इसका लाइफ साइकिल देखते हैं इसकी लेंथ ट्वेंटी फाइव मीटर्स तक है और ये ह्यूम की स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेंगे एज यू कैन सी हेयर डर्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन और एट्टी थाउजेंड एक्स पर प्रोग्लोटेड एक जो प्रोग्लोटेड है ठीक है फिर इनमें क्या होता है एज एन एग डिवेलप अब एग्ड जब डिवेलप करता है ये ग्रेविट प्रोग्लोटेड है ये इसका एक सेगमेंट है लास्ट वाला सेगमेंट है इसमें बहुत सारे एग्स होंगे और एक एग के अंदर जो है वो इनमें एक सिक्स सिक्सा कैंथ लार्वा बनता है जिसको हम ऑंकोस्फियर कहते हैं अब ये जो ओंकोस्फियर है एज द कैटल कैटल इसका इंटरमीडिएट होस्ट है ठीक है ह्यूमन इसका डेफिनेटिव होस्ट है कैटल इंटरमीडिएट होस्ट है अब जब कैटल जो है वो ग्रेजिंग करेगी पास्टर्स में पास्टर एरियाज में यानी जो चिरागा वगैरह है और वहाँ चिरागा पे कोई भी फीसिस पड़े हुए हैं ह्यूमंस के तो उन फीसेस में ये एग्स जिनमें ओंकोस्फियर लार्वा है ये प्रेजेंट होता है ठीक है तो इन एग्स को जो कैटल है वो अपनी प्लांट्स के ऊपर फीडिंग करते हुए जो कैटल है वो इन एग्स को विद ओंकोस्फियर लार्वा जो है वो इंजेस्ट कर लेगी ठीक है और फिर ओंकोस्फियर लार्वा वहां पे हैचिंग करेगा और उसकी इंटेस्टाइन में पेनिट्रेट कर जाएगा ठीक है उसके बाद जो है वो फिर उसकी वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में मूव करेगा फिर उसके मसल्स तक मूव करेगा और मसल्स में जाने के बाद वो डेवलप हो जाएगा जी आ, उसकी एक नेक्स्ट लार्वल स्टेज में जो कि है सिस्टी सर्कस ठीक है ये सिस्टी सर्कस लार्वल स्टेज है उसमें डेवलप हो जाएगा और अब एक कैटल को अगर हम उसके मीट को अच्छे तरीके से कुक करके नहीं खाते तो फिर ये सिस्टी सर्कस लार्वा जो है वो ह्यूमंस की बॉडी में एंटर हो जाएगा और वहां पे हमारी इंटेस्टाइनल वॉल के साथ अटैच होके मेचोर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होगा ठीक है नेक्स्ट है जी पोर्ट टेपकॉम जिसको टीनिया सोलियम कहा जाता है तो पोर्क टेप कॉम जो है वो इसका भी लाइफ साइकिल बिल्कुल टेनिंकस सर्जीनेटस यानी बीफ टेपॉर्म जैसा ही है बस इसमें यह है कि उसका इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो कैटल है लेकिन यहाँ पे जो इंटरमीडिएट होस्ट है उसका पिग डेफिनेटिव होस्ट ह्यूमन ही है ठीक है देन है फिश टेप वाई फेलो बोथफियम लेटम इसका लाइफ साइकिल देखते हैं जी इसके लाइफ साइकिल में एक्स जो है वो इसके फ्रेश uh, वॉटर में डिपॉजिट किए जाते हैं ठीक है और उनमें लार्वा होता है जिसको हम कोरासीडिया लार्वा कहते हैं अब जो हमारे पास फर्स्ट हमने लाइफ साइकिल पढ़ा उसमें ओंको मेरा सीडियम है ओंकोसफियर है लेकिन यहाँ पे कोरासीडिया लारवा है ठीक है एम्बियटेड एग्स इन वॉटर के रिलीज होते हैं और उनसे लार्वा बनता है कोरासीडियम लार्वा ठीक है अब जो कोरासीडियम लार्वा है ये क्या करेगा ये स्विमिंग करेगा और छोटे छोटे जो क्रस्टेशियंस होते हैं पानी में कोट्स जिनको कहा जाता है वो इसको इंजेस्ट कर लेंगे ठीक है इसको खा लेंगे अब नेक्स्ट क्या होगा अब ये लार्वा उनकी बॉडी में एंटर होने के बाद क्या करेगा अपने सिलिया जो है सिलियेटेड जो कोट होता है उसको रिमूव करेगा ठीक है और ये डिवेलप हो जाएगा प्री सरक्वाइड लार्वा में एज यू कैन सी हियर ये सिलिया के कोट को रिमूव करेगा और प्री सरक्वाइड लार्वा में डिवेलप हो जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट क्या होगा ये जो कोप पोट हैं इन कोपोर्ट्स को इंजेस्ट करती हैं फिशेस ठीक है तो जब कोपोर्ट्स को फिश इंजेस्ट कर लेती है तो उस ये जो लार्वा है ये को जो है जब इंजेस्ट करते हैं फिश इंजेस्ट करती है उनको खा लेती है छोटे छोटे कोप को तो जो प्री सरकोइड लार्वा है वो फिश के मसल्स में चला जाता है ठीक है एंड देन फर्दर क्या होता है जी कि फिश ईट द द प्रीसरकोइड लार्वा बुरोज द मसल ऑफ द फिश और वहां पे एक और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम प्लेक्ट लार्वा कहते हैं ठीक है प्लेक्सर लार्वा एंड द जब ह्यूमन्स जो हैं वो इम प्रॉपरली फिश कंज्यूम करेंगे तो लार्वा ह्यूम्स की बॉडी में एंटर होगा और उनकी इंटेस्टाइन में फिर अटैच ये फाइनली एडल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये था हमारा फिश टेप कॉम का इन सब के लार्वास बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, हमारा फाइलम प्लेटी हेलमेटे उसकी चार क्लासेस मोनोजीनिया है ट्रीमा है टर्बिलेरिया है ठीक है सिस्टोडा है इन सबको हम देख चुके हैं इनकी सब क्लासेस और इनके इंपॉर्टेंट ह्यूमन पेरासाइट और उनके लाइफ साइकिल्स हम डिटेल में देख चुके हैं तो अब हमारा सेकंड फाइलम है जी फाइलम निमर्शिया उसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, हैं अबाउट 900 हंड्रेड स्पीशीज हैं इमोशंस की ठीक है ये इलांगेटेड है फ्लैटेड वर्म्स हैं और इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है कि इनकी बॉडी में एक लॉन्ग प्रोबोसिस है जिसकी वजह से इनको हम प्रोबोसिस वर्म्स भी कहते हैं ठीक है तो ये ट्रिप्टोब्लास्टिक हैं और एसिनोमेट्स हैं और बायोलेट्रली हैं एंड अनसेगमेंटेड वर्म्स होते हैं ये ठीक है सिलिएटेड एपिडर्मिस है जो कि म्यूकस क्लैंड जहाँ प्रेजेंट हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है प्रोटोनिया एक्सक्रीशन के लिए है सेरिब्रल गेंगलिया है लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है नॉट द ओपन ठीक है फिर इनमें बॉडी जो है उसमें मसल्स प्रेजेंट होते हैं टू टू थ्री लेयर्स में ठीक है एंड मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ये है कि इनमें लॉन्ग प्रोबोसिस है जिसको हम रिंग को सील भी कहते हैं ठीक है लॉन्ग प्रोबोसिस बॉडी के इंटीरियर साइड पे है जिसको हम रिंग को सील कहते हैं एंड प्रोबोसिस में भी टिप्ड विदाइलेट कहा जाता है तो प्रोबोसिस है ठीक है जिसको हम रिंको के अराउंड जो शीथ है उसको अराउंडल कहा जाता है ये प्रोबोसिस है इलांगेटेड ये उसके अराउंड शीथ है जिसको रिंको सील कहा जाता है और इसके एंड पे एक बार्ब है जिसको स्टाइलेट कहते हैं एंड ये कार्डिवर्स स्पीशीज हैं ठीक है स्पेसिफिकली जो कार्डिवर्स स्पीशीज है वो प्रोबोसिस को यूज करती है अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए एंड दीज आर डाइशियन में मेल और फीमेल है वो सेपरेट है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और जो लारवा इनमें बनता है, helmet -shaped है जिसको पैलिडियम लारवा कहा जाता है देन आ जाए फेस्ट्रोट्रिका इसके कुछ चनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ये है फाइव हंड्रेड स्पीशीज है मेराइन और फ्रेश वाटर में रहती है और इनमें हैफेस ऑफ बॉडी नर्वस सिस्टम जो है उसमें ब्रेन और पेयर ऑफ लेटल नर्व ट्रंक्स इनमें प्रेजेंट है ठीक है ब्रेन प्रेजेंट है और पेयर ऑफ लेटर नर्व ट्रंक्स प्रेजेंट है देन इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेट ट्यूब है विद माउथ फेरेंग स्टमक इंटेस्टाइन एंड एनस कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इनकी एंड देन इनमें पेयर प्रोटन एफ्रीडिया प्रेजेंट है जैसे आपको ये नजर आ रहे हैं पेयर प्रोटन एफ्रीडिया एक्सक्रीशन के लिए और उसके बाद इनमें मेराइन स्पीशीज हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं और हर्माफ्रोडाइट हैं और फ्रेश वाटर स्पीशीज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं पार्थिनोजेनेसिस के जरिए ठीक है अनफर्टीलाइज एग्स ले करेंगी वही डर्ड्स में डिवेल्प होंगे थिन शेल्ड एग्स जो हैं वो हैच होते हैं फीमेल्स में ड्यूरिंग फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन और थिक शेल्ड एग्स जो हैं वो अनफेवरेबल फेवरेबल कंडीशन को बियर करने के लिए हैं ठीक है कोई लावल स्टेज नहीं है इनमें इनमें डायरेक्ट डिवेलपमेंट होती है सब so, अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर वन है डजेशिया इज द मेंबर ऑफ क्लास टर्बिलेरिया नंबर टू डाइजिव प्लेटफॉर्म इज करेक्टराइज बाई दी एलिमेंट्रीनालेंट इन एलिमेंट्री कैनालेंट इन एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एबसेंट है टेप फॉर्म्स में ठीक है एंड सिलियेटेड लार्वा ऑफ मोनोजीनियन उसको हम कहते हैं आंकोमेरासीडियम सरकेरिया स्टेज इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल then bladder worm is the larva of tapeworm platyhelminthes have dash that aid in osmoregulation and excretion of nitrogenous waste so they have flame cells number 8 marine ribbon worms are found within the phylum nemertians number 9 a few turbularians have a free swimming larva that is known as muller's larva number 10 which of the following is chinese liver fluke clonorchis sinensis then blood fluke is schistosoma True tapeworm belongs to class cystoide Long proboscis is present in Nemersians. Intermediate host in the life cycle of Fasciola is Snail. Nucleus secreting glands are rhabdites. Which of the following is primary host of tapeworm is Man. Oncosphere forms cyst in muscle and change into fluid-filled bladder, uh, Cysticercus. Hold fast structure in the tapeworm is

number three, flame cells are commonly found in 2007, uh, in uh, platyhelminthes, or your uh, 2007 ka question hai, worms belonging to phylum platyhelminthes are commonly known as the flatworms, tka 2009, mapucha, your question. flame cell is typical of lathehelminthes, so uh, 2010, ka question hai. the true nervous system was first developed in flatworms. Uh, it was asked in 2015. लार्वल फॉर्म ऑफ लिवर फ्लूक है ये हमारे पास जो है वो कुछ पास पेपर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ठीक है तो इस टॉपिक को हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है इनशाला जो है वो हम नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो ऑन द इनवर्टिड ठीक है तब तक के लिए हाफिज